हालिया रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई समस्या उभर कर और बहुत जिसको कहते हैं घर कर रही है बुरी तरीके से, और वो बैंकिंग की समस्या है। और कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत बैंक अर्थव्यवस्था कवर करते हैं या नहीं भी कवर करते हैं, जब तक बैंकों की रिकवरी नहीं होगी, जब तक बैंक व्यवस्था बैंक प्रणाली नहीं सुधरेगी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था को सुधरने में सालों लग जाएंगे और शायद सुधरना नामुमकिन है। और एक ऐसा बड़ा संकट आज बैंकिंग के सामने खड़ा है और उसी के बारे में बात करनी जरूरी है। बैंकिंग में जब लोन दिया जाता है, चाहे रिटेल लोन हमें और आपके जैसे लोगों को दिया जाए या बड़े कॉरपोरेट लोन दिए जाते हैं, उसमें से कुछ लोन जो है वो स्ट्रेस्ड एसेट्स बन जाते हैं, उसमें रिकवरी नहीं हो पाती है, उसमें उन सेक्टर्स में उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मंदी ज़्यादा आ जाती है तो स्ट्रेस्ड एसेट घोषित करना पड़ता है लोन को। ये एनपीए के पहले वाली जिसको कहते हैं सीढ़ी होती है। एनपीए में तो ये होता है कि ये लोन अब रिकवरेबल ही नहीं है, इसको हम ले ही नहीं सकते हैं वापस, इसलिए इसको एनपीए कर देते हैं। लेकिन उसके पहले होता है कि स्ट्रेस्ड एसेट, ये एसेट में दिक्कत है, इसमें जिसको रेड फ्लैग कहते हैं वो है और वो बैंक करते हैं। आज की तारीख में जो लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है वो दिसंबर 2019 का है, आज की तारीख में कुल लोन का, कुल एडवांस लोन्स का लगभग 16% हिस्सा स्ट्रेस्ड एसेट्स बन चुका है, जो कि लगभग 16,88,000 करोड़ रुपए है। 16 लाख करोड़ रुपए, करीब 17 लाख करोड़ रुपए अगर मैं कहूं, वो स्ट्रेस्ड एसेट है बैंकिंग सेक्टर का। ये बड़ा फिगर क्यों है? क्योंकि 2017 में यही फिगर 12% पे था, आज ये 16% पर है। जो 4% की उछाल आई है मात्र स्ट्रेस्ड एसेट में, वो एक बहुत बड़ा सूचक है आर्थिक मंदी का। और सरकार इसको कितना भी डिनाई करे, कितना भी इससे दूर भागे, आर्थिक मंदी जो अक्यूट इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसका ये एक बहुत बड़ा, एक तीव्र मंदी का बहुत बड़ा सूचक है। एमएसएमई, कमर्शियल व्हीकल, एक्सपोर्ट्स, टेलीकॉम और रियल एस्टेट, ये नए नए सेक्टर हैं जिन पे एनपीए बनने शुरू हुए हैं, और इसीलिए दिसंबर की तिमाही ये बताती है कि एनपीए में भी वृद्धि हुई है। अब अगर आए मूल आंकड़ों पर, तो सरकार आपको बताएगी कि एनपीए 11% से घटकर, 11.7% से घटकर 9.2% हो गया है। ये एक अच्छी सूचना होनी चाहिए थी कि एनपीए घटा है। एनपीए घटने का मतलब है अर्थव्यवस्था संभल रही है, बैंकों में कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन खुशी मनाने से पहले सत्य जान लीजिए, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक राइट ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में, उसकी तकनीकीकरण में नहीं जाते हैं, सिंपल शब्दों में राइट ऑफ का मतलब है कर्जे माफ किए जा रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के ऊपर या तो घर का लोन होगा या ऑटो का लोन होगा, मेरे ऊपर दोनों है, मेरा कोई कर्जा माफ नहीं किया है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपका भी कोई कर्जा माफ नहीं किया है। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों का इस देश में बड़ा कर्जा माफ किया गया है। और अब इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा, 2014 से जब से ये सरकार सत्ता में आई है, भाजपा की सरकार, 7,77,000 करोड़, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की कर्जा माफी करी गई है, का राइट ऑफ किया गया है। और ये बैंकों द्वारा किया गया है, ये ज्यादातर बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपतियों के लिए किया गया है। हमारी 3 मांगे हैं प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से, और हम आशा करते हैं कि वो इन मांगों को सुनेंगे और कहीं ना कहीं किसी के कान पर जू जरूर रेंगेगी। हमारी पहली मांग है कि जिन कर्जदारों का ऋण माफ किया गया है उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। हम सब भारत के नागरिक हैं, क्योंकि स्टेट ओन बैंक्स है, कहीं ना कहीं हम उसके ओनर्स हैं, कहीं ना कहीं हम करदाता हैं। हमें जानने का हक है कि आखिर कर्जा माफी किसकी करी गई है। तो पहले तो नाम सार्वजनिक किए जाएं। दूसरा, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो कि ये देखे कि किस प्रक्रिया से ये लोन माफी हो रही है, किस प्रक्रिया से राइट ऑफ हो रहा है, जो ये देखे कि किस प्रक्रिया से और किस तीव्रता से ये लोन माफी हो रही है, इसकी विवेचना करे।
और तीसरा हमारी सबसे बड़ी मांग है यह है कि यह समिति जो है यह फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय व्यवहारवर्ता और क्षमता को पूरी तरह से आंके, उसका आकलन करे, क्योंकि बैंकों को सुधारने के पहले कोई इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो सकती है। मेरा अंत में एक ही स्टेटमेंट है और इसी एक मुद्दे के चलते आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि जिस गोपनीयता से कुछ चंद लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया है, कुछ चंद लोगों की कर्जा माफी हुई है, वो जरूर एक साजिश का सूचक है। आखिर किस पैमाने पर आपने ये डिसाइड किया कि ए की होगी और बी की नहीं होगी, सी की होगी और डी की नहीं होगी? और कहीं ना कहीं भारतीय बैंकों को बाध्य करके आपने घोर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है और इसीलिए बैंक आज स्ट्रेस्ड एसेट से जूझ रहे हैं। बैंकों के पास अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए और कोई उपाय नहीं बचा है, क्योंकि आर्थिक मंदी एक हाथ पे गहरा रही है और दूसरी हाथ पे आप बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं और अपील करती हूं कि सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी, और इसलिए देगी क्योंकि बैंकिंग को सुधारे बगैर, और मैं शायद एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह ये बार बार बात बोल रही हूं, थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूं अर्थव्यवस्था की, जब तक बैंकिंग में सुधार नहीं आएगा आप अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं।